हींग का अचार बन के तैयार हो गया है पूरा। बहुत ही इसका प्रोसेस आगे पूरा देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत अचार बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा टेस्टी अचार बन के तैयार होता है विदाउट ऑयल और बहुत लेस स्पाइसेस। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा। मैं आम का एक झटपट इंस्टेंट हींग का अचार बना रही हूँ, जिसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं, ज़्यादा कोई झंझट नहीं, और बहुत ही बढ़िया। आप पकौड़े के साथ खाइए, पराठे पूड़ी किसी के साथ भी खाइए, आप खा सकते हैं। और बाजार टिफ़िन में ले जाइए, और ऑयल फ्री होता है, ऑयल बस एक चम्मच तेल में ही सारा अचार बन जाता है और आसान है, सिंपल है। कैसे बनेगा वो आप देखिए। आम का एक किलो मैंने अचार ले मतलब एक किलो आम लिया कच्चा, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और धूप में सारा दिन पड़े रहने दिया। और अब कुछ नहीं, इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालिए। नमक तो अच्छे से पड़ेगा क्योंकि अचार बन रहा है। नमक, ये देखिए इसमें नमक पड़ेगा, आप टेस्ट करके देख लीजिए। और हल्दी अच्छे से, क्योंकि हल्दी से ही गलेगा नमक और हल्दी से, क्योंकि और कोई स्पाइसेस इसमें पड़ने नहीं है ज़्यादा। तो नमक, हल्दी और हींग, मेन चीज़ हींग है। हींग का ही फ्लेवर इतना बढ़िया आता है कि और आप चाहें तो इसको तुरंत बना के तुरंत भी खा सकते हैं नेक्स्ट डे, और नहीं तो दो तीन दिन इसको धूप में रख दीजिए तो बहुत ही अच्छा। अब लाल मिर्च, थोड़ी सी इसमें तीखापन लाने के लिए ये मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स मेरे पास घर के बने हुए हैं, वो डालिए। आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, हल्का डालिए तो हल्का। हींग, अब हींग ज़्यादा मात्रा में, देखिए कम से कम टेबल स्पून से, मेरे पास टेबल स्पून है, उससे दो चम्मच हींग, क्योंकि हींग का ही फ्लेवर इसमें स्ट्रॉन्ग आता है, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएं, और कम तेल में, कम मसाले में बहुत ही बढ़िया अचार बन जाता है। और एक टेबल स्पून बस नमक तेल डाल दिया बस, तो तेल एक चम्मच और हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और चिली फ्लेक्स और हींग बस। और एक किलो में कम से कम दो टेबल स्पून हींग पड़ेगी, तभी उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। और बस कुछ नहीं करना है, झटपट आप इस तरह से मिलाइए, अच्छी तरह से मिला के चिली फ्लेक्स डाल दीजिए थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए, नहीं तो बहुत सी सादा सादा सा लगेगा। और बन गया मेरा अचार, ये तैयार है, सब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। नमक पानी छोड़ देता है तो इसलिए टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से ये इसी में मिल जाएगा। मिलने के बाद आप थोड़ी देर ऐसे 5 मिनट छोड़िए, उसके बाद ये एक मेरे पास कांच का बॉटल है, इसमें भर के रख दीजिए, और नेक्स्ट डे से ही आप खा सकते हैं। चाहे तो और दो तीन दिन धूप में रखिए तो और अच्छा है, और ये चलता है, आप महीना, दो महीना, तीन महीने आराम से रख के खा सकते हैं, चाहे तो साल भर भी रख सकते हैं। देखिए मेरा सब कुछ मैंने अच्छी तरह से मिला दिया, अब इसको इसी तरह से जार में भर के रख देंगे। ये भर के बॉटल में, शीशे की बॉटल है, उसमें हम लोग भर के रख देंगे, और इसको जैसे मन हो वैसे खाएं। मेरा हींग वाला अचार बन के तैयार है, आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इंस्टेंट हींग का अचार।